दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोग सामने पहली बार समक्ष हुआ हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ कि दुनिया पागल होती जा रही है। सॉरी अगर मैं कुछ गलती बोल दूँ तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं पागल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी आप नशा देखो, चाहे कोई भी तंबाकू देखो, गुटखा देखो, या कोई भी जर्दा देखो, या सिगरेट देखो, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह खाने से आपको कैंसर हो सकता है। इसे खाने से दर्दनाक मौत हो सकता है। दर्दनाक मौत की उस पे स्पष्ट वार्निंग है, लिखा हुआ, बिल्कुल वार्निंग लिखा हुआ है इस पे। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, स्पष्ट देख रहा है, लिखा है कि इस पे तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, या बहुत सारी बीमारी हो सकती है। उसके बावजूद भी जो इंसान है उसको पढ़ करके, समझ करके, उसको ही अधिक खा रहा है। रोज 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये का रोज गुटखा खा रहा है। गुटखा खा करके आसपास के एरिया में थूक भी रहा है, एरिया को भी कचरा कर रहा है। उसी पैसे से वह दूध नहीं पी सकता। काजू, किशमिश, बादाम जो शरीर को, आपको एनर्जी देने वाले हैं, आपको हष्ट पुष्ट रखने वाले हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन वह देख कर, मतलब देख रहा है, वो पढ़ा लिखा है, समझ रहा है कि भाई इसी को खाने से आपको बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, या आपको मुंह से संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, पेट से संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर खा रहा है। वो आदमी कौन है? हम देख रहे हैं कि आगे खाई है या कुआं है और हम उसमें जानबूझ करके कूद रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा आप बताओ? इस वीडियो में आप कमेंट के में लिखो कि उस आदमी को क्या कहा जाए। क्या उसे काफी इंटेलिजेंट कहा जाए? क्या उसे चालाक कहा जाए? क्या वो किसी प्रेशर में है? क्या है वो आदमी? या उसको आदमी को पागल कहा जाए जो इतना अंधा हो गया है, आंख रहते हुए उसके पास आंखें हैं, भगवान ने, अल्लाह ने, प्रभु ने, जीसस क्रिस्ट ने आपको इतना सुंदर चेहरा दिया, आंख दिया, दिमाग दिया, देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ है कि तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी आप खा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जो आदमी खा रहा है उसको क्या कहेंगे आप? इसलिए बोल रहा हूं कि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग पागल होते जा रहे हैं। वो तो खा ही रहा है, उसके समाज में, उसके आसपास जो लोग हैं वो भी लोग खा रहे हैं। बहुत लोगों को मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बात बिल्कुल कड़वी है, सदा सत्य है, सत्य बात है। तो सत्य बात मैक्सिमम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस सब का सेवन करना बंद कर दें जो आपके लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा नहीं है कि केवल आप बच जाओगे, केवल एक ही फायदा नहीं है, तो बहुत बड़ा फायदा है कि ये है कि आप बच जाओगे, लेकिन आपके साथ साथ आपको देखकर जो बच्चा सीख रहा है, जो जनरेशन आ रही है, जो आपका घर के परिवार का, आसपास का, आपके पड़ोसी का जो बच्चा जिसके साथ आप रहते हो, वो भी इससे बच जाएगा। क्योंकि जब आप नहीं खाओगे तो नहीं खाएगा, आप जब नहीं उसका सेवन करोगे तो सामने वाला, या आपके साथ में, आपके जिस माहौल में आप रह रहे हो, घूम रहे हो, वो नहीं खाएगा। अगर आप खा रहे हो तो देखा देखी सोचेगा, कुछ चखते हैं कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, आखिर कैसा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यही स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि एक नशा त्यागने से केवल आप ही का कल्याण नहीं है, केवल आप ही को केवल इससे सुख नहीं मिलेगा, बस से आपके जो पड़ोसी हैं जिसके साथ घूम रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो,
जो आपके मित्रगण हैं उन सबको इससे फायदा है आपके साथ साथ। दूसरी बात, अगर आप गुटखा खाके, पान खाके या कुछ तंबाकू खाके थूक देते हो आपके आसपास के एरिया में, या जब आपके ऑफिस के एरिया में या आपके घर के आसपास के एरिया में, वो वातावरण भी दूषित नहीं होगा। जिस वजह से आप तंबाकू खा रहे हो, जिस वजह से आप गुटखा खा रहे हो, पान खा रहे हो, जो खा रहे हो, जिससे बीमारी पैदा होने वाली है, उस पैसे को बचा करके कम से कम अच्छा चीज तो खाओ। नहीं अच्छा चीज खाने का दूसरा चीज मन खा रहा है तो उस पैसे को बचाओ, अपने बच्चों के लिए बचाओ। यह नशा इतना बड़ा नशा हो गया कि आपको उसी में डूब गए हो। नशा, नशा का मतलब कि नाश करने वाला चीज को ही नशा बोलते हैं, जिससे इंसान का नाश होता है। चाहे कोई भी नशा ले लो, कोई एक नशा मुझे बता दो जिससे कि आदमी को, आदमी गरीब से लेकर अमीर हो गया। लेकिन मैं हजार नशा बता सकता हूँ, सॉरी, हजार आदमी को बता सकता हूँ जो नशा की वजह से करोड़पति होके, लखपति होकर और पति होके वो जमीन पे आ गया है। दोस्तों, मित्रों, जो ये जहरीली पदार्थ मार्केट में चल रही है, जिससे कि भयंकर भयंकर बीमारियां हो रही है, जिसको खाने से आपको पैसा खर्च भी करना पड़ा, साथ साथ उसको, उससे जो परिणाम आ रहा है, उस परिणाम को भी भुगतने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप खा रहे हो तो खरीद के खा रहे हो, फिर आपको कैंसर हो जा रहा है, मुंह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको इलाज करने के लिए पैसा खर्च तो कर रहे हो ना। इसी बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप जो खा रहे हो उसको खाने के बावजूद एक तो खरीद के खा रहे हो, फिर उसका जो परिणाम आएगा क्या होगा, बड़ा बीमारी होगा। बड़ा बीमारी होगा तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है वो खत्म होगा। जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, घर द्वार है, जमीन है, उसको गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो बेचना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा। फिर आपके बच्चा बच्चा बच्ची या आगे जो भी आपका फ्यूचर प्लान है उसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो अगर मैं, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, स्वस्थ आप रहें, यही मेरा दिल से दुआ है, रिक्वेस्ट है, मनोकामना है। धन्यवाद दोस्तों।